नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब भी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज मैच खेला जाएगा। एक तरफ होगी पंजाब किंग्स की टीम और दूसरी तरफ होगी राजस्थान रॉयल्स की टीम, और दोनों ही टीमों के लगभग क्वालिफिकेशन के रास्ते बंद हो चुके हैं। जाने के अभी तक मुझे नहीं लगता कोई भी चांसेस है दोनों ही टीमों के, लेकिन ये मैच धर्मशाला में खेला जाएगा और फैंटेसी तो इस मैच में खेलेंगे ही, तो कोई भी जीते वो तो मैटर नहीं करता, लेकिन फैंटेसी में कैसे जीतना है वो मैटर करता है। और आज दो तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको फैंटेसी में बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सको। साथ ही साथ आपका सपोर्ट जो कि बहुत जरूरी होता है, तो सारे लोग वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। जी हाँ, नीचे लाइक बटन है उस पर क्लिक करो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको करना क्या है। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप नहीं जुड़े हो तो आपको जुड़ जाना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। जुड़ना कैसे, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन वहां पर आपको जाना है, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं जा पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको कमेंट में पिन किया हुआ लिंक मिलेगा, ज्वाइन आवर्स टेलीग्राम चैनल, उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हो। मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मैच खेला जाएगा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ग्राउंड, आप ऐसा बोल सकते हो कि विश्व के जितने भी ग्राउंड है क्रिकेट स्टेडियम्स है, सबसे बढ़िया खूबसूरत स्टेडियम है जो कि धर्मशाला कहलाता है। लास्ट मैच हुआ था 200 प्लस बना था, एक ही चीज मैंने आपको बोली थी, अच्छा बाउंस है, बैट बॉल पे अच्छे से आता है, पृथ्वी शो वहां पे स्कोर कर गए थे जिसने इस आईपीएल में टोटली स्ट्रगल किया, डेविड वार्नर स्कोर कर गए थे, लिविंगस्टोन स्कोर कर गए थे। बढ़िया वेन्यू है, स्पिनर्स के लिए उतनी मदद नहीं रहती, पेसर्स के लिए मदद रहती है और जो बैटर्स है उनके लिए मदद रहती है, ये ध्यान में रखना है, स्टार्टिंग में स्विंग वगैरह होगा। बाकी देखिए, ये लास्ट मैच देख सकते हो आप, दिल्ली ने 213 किए थे और पंजाब 198, 8 विकेट गिरी थी 7 फास्टर्स को और 1 विकेट है जो कि स्पिनर्स को मिली थी। बाकी ये मैचेस है, ये बहुत पहले के आप देख सकते हैं, यहां 183 है, यहां 171, यहां 141, यहां 120, यहां पे आपको जरूर लो स्कोरिंग दिखेगा, लेकिन अभी फ्रेश विकेट है तो कहीं ना कहीं यहां पे आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। फ्रेश विकेट है, स्पिन को शायद उतनी मदद ना मिले, लेकिन आपको मदद चाहिए, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो सीधी सी बात है, माय मास्टर इलेवन, देखिए 50,000 रुपए का आपके लिए हर मैच में फ्री गिवे आ रहा है, भरता नहीं है, तो आपके पास कुछ ना कुछ अगर आप यहां पे खेलोगे 300 400 500 तो आपके पास फ्री गिवे में आ ही जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज यहां पे आपको मिल सकती है, क्या क्या मिल सकती है देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आपको टाटा सफारी, ये जो इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है तो इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास ये जो आपको दिख रही है टाटा सफारी, टाटा टियागो, ये आपके हाथ लग सकती है। क्यों, इसका रीजन है, देखिए जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो आपको यहां पर नहीं दिखेंगे, बड़े इन्वेस्टर्स यहां पर नहीं खेल रहे, किस पे, माय मास्टर इलेवन पे आप खेल सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो, पैसे नहीं है तो गिवे में जाके खेलो, है तो आप इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में टॉप कर सकते हो। डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड कैसे करना है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, माय मास्टर इलेवन का आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, माय मास्टर इलेवन को डाउनलोड कीजिए, और भी बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए आएंगे, T20 वर्ल्ड कप वगैरह काफी कुछ आने वाला है, तो डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी आप देखोगे टोटल 8 मैचेस खेले गए, 6 बैटिंग फर्स्ट ने, 2 चार्जिंग ने, 178 का एवरेज स्कोर रहा है, स्कोरिंग देखोगे 190 170 प्लस है, वो 6 टाइम्स बनाए, तो आप देखोगे तो बैटिंग को थोड़ा सा ज्यादा सपोर्टिव है, दोनों टीमों का बैटिंग ऑर्डर बढ़िया है तो रन्स यहां पे बनने चाहिए। हेड टू हेड की बात करते हैं, 25 में से 14 राजस्थान ने, 11 पंजाब ने जीते हैं, इस सीजन का जो मैच हुआ था यहां पर पंजाब ने जीता था, लास्ट सीजन का यह मैच हुआ था जो कि राजस्थान ने जीता था, यहां पर पर्व सिमरन ने अच्छा किया था, शिखर धवन ने 86 किए थे, जितेश शर्मा 2 विकेट, दीप सिंह को 2 विकेट और नाथन एलिस ने यहां पे 4 विकेट निकाली थी, जोस बटलर फ्लोप थे, संजू सैमसन 42, सिमरन हेडमायर 36, ध्रुव जुएल 32 और चहल को 1 विकेट।
यहां देखोगे शिखर धवन फ्लॉप, लिविंगस्टन फ्लॉप, जितेश शर्मा ने 38 की, हर्षदीप सिंह को 2 विकेट और खंगेजो रबाडा ने यहां पे 1 विकेट निकाली। यहां देखोगे यशस्वी जायसवाल ने 68 किए, जोस बटलर 30 थे, संजू सैमसन 23, सिमरन हेटमायर 31 थे और युजवेंद्र चहल को यहां पे 3 विकेट मिली थी। युजवेंद्र चहल काफी अच्छे दिखे, बाकी जोस बटलर ने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया। ये लास्ट मैच देख सकते हो जहां पे शिखर धवन बढ़िया थे, सिमरन बढ़िया थे, लेकिन चीजें आपको क्लियर करूंगा जिनका आपको ध्यान में रखना है। 6 ओवर्स का पावर प्ले क्या कहता है कि दोनों मिक्सचर ऑफ इनिंग्स रहती है, जहां पे आपको कुछ इनिंग्स में है वो विकेट्स देखने को मिलेगी 6 ओवर में और कुछ इनिंग्स में आपको विकेट्स देखने को नहीं मिलेगी। अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करती है, सॉरी पंजाब बैटिंग करती है, अगर ट्रेंट बोल्ट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं पावर प्ले में है वो, उनके विकेट्स जाने के चांसेस रहेंगे। बाकी आप देखोगे यहां पे पंजाब की प्लेइंग 11 शिखर धवन, शिखर धवन का उतना बढ़िया सीजन रहा नहीं है, लास्ट के 2 मैच में फ्लॉप दिखे, बाकी यहां पे कुछ इनिंग्स निकली, अथर्व ताइडे खेले तो यहां पे इनिंग्स निकली है। बाकी लिविंगस्टोन ने लास्ट मैच में बढ़िया किया, बाकी उतना शानदार नहीं था, 1 84 की ये 82 की ये निकली थी। जितेश शर्मा यहां तक बढ़िया थे, लास्ट के 2-3 मैचेस में उतना बढ़िया नहीं किया। सैम करन ठीक ठाक कर रहे हैं, शाहरुख खान बहुत नीचे आ रहे हैं, हरमनप्रीत बरार यहां पे 4 विकेट जरूर निकाली थी लेकिन लास्ट मैच धर्मशाला में था तो विकेट नहीं मिली, पिटाई भी हुई। रबाडा थोड़े से बैकफुट पे दिखे हैं, रबाडा को विकेट्स मिली नहीं है। नाथन एलिस लास्ट मैच में विकेटलेस थे, बाकी इन्होंने विकेट्स निकाली है। राहुल चहर का देखोगे तो राहुल चहर ने ठीक ठाक एवरेज बॉलिंग बोल सकते हो। हर्षदीप सिंह जिसका लास्ट मैच में है वो ओवर्स कटे, आई डोंट थिंक सो क्यों, अगर शायद हर्षदीप ओवर करते तो पंजाब क्वालिफिकेशन की राउंड में अभी भी जिंदा रहता, लेकिन लास्ट में 2-3 मैचेस देखोगे तो हर्षदीप सिंह ने भी स्ट्रगल किया है। शायद उनको जिस तरीके से वो जिस पोजीशन पे गेंदबाजी करते हैं, लाइक वो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, उनको उस तरीके से गेंदबाजी नहीं दी जा रही। हर्षदीप सिंह डैथ में गेंदबाजी करते हैं, नाथन एलिस भी डैथ में करते हैं, रबाडा भी डैथ में करते हैं, ये तीनों इनके डैथ के बॉलर रहेंगे, तीनों इनके पावर प्ले के रहेंगे। शिखर धवन 23 मैच 28 का एवरेज, हेड टू हेड में वेन्यू पे देखोगे 47 का, तो वेन्यू पे अच्छा खेले हैं, सीवीसी करके जा सकते हो। अथर्व ताइडे हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे 1 मैच में 55 रन है, लास्ट मैच काफी बढ़िया था, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है पेसर्स को हेल्प, सामने रबाडा, हर्षदीप सिंह, नाथन एलिस, उतना इजी इनके लिए होगा नहीं। लियाम लिविंगस्टोन 1 मैच 0 विकेट 22 रन किए, वेन्यू पे 1 मैच में 94 रन किए जो कि लास्ट मैच था। लिविंगस्टोन एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए यहां पर रहेगी। जितेश शर्मा 2 मैच 32 रन का एवरेज है, 1 मैच में 0 रन है जो कि इस वेन्यू पे किए, प्लेयर बढ़िया है, इस पोजीशन पे खेलते हैं, पंजाब पहले बैटिंग करती है, ऑफ कोर्स आप ट्राई कर सकते हो जितेश शर्मा। सैम करन 6 मैच 7 विकेट, वेन्यू पे देखोगे 1 मैच में 2 विकेट है जो कि सैम करन ने, जो कि लास्ट मैच था, सीवीसी के ऑप्शन में रहेंगे। अगर यहां पे पहले बैटिंग करे पंजाब की टीम तो आपके लिए गेम चेंजर कैप्टन बन सकते हैं सैम करन। शाहरुख खान है 2 मैच 8 का एवरेज है, वेन्यू पे 1 मैच में 6 का, नीचे आते हैं तो स्मॉल लीग के लिए रिस्की बनते हैं। उसके अलावा देखोगे हरमनप्रीत बरार तो 2 मैच में 1 विकेट यहां पे है, वेन्यू पे देखोगे 1 मैच में 0 पे यहां पे है। स्पिनर्स के लिए उतनी ज्यादा मदद रहती नहीं है, सामने भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं, वो ध्यान में रखना। रबाडा 6 मैच 10 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 0 विकेट है जो कि लास्ट मैच खेले थे। गेंदबाज बढ़िया है लेकिन ये सीजन उतना बढ़िया रबाडा का जा नहीं रहा, लेकिन मैं इनको लेके चलूंगा। नाथन एलिस 1 मैच 4 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 0, नाथन एलिस के विकेट निकालने के चांसेस रहेंगे तो नाथन एलिस को मैं रखूंगा। राहुल चहर 7 मैच 7 विकेट, वेन्यू पे देखोगे 1 मैच में 0 विकेट। स्पिनर्स के लिए उतनी मदद नहीं है तो शायद मैं इनको ड्रॉप करके जाऊं। हर्षदीप सिंह 6 मैच 14 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 0। तो यहां पे हर्षदीप सिंह, रबाडा, यहां पे आपको थोड़े से मुझे चांसेस लग रहे हैं कि विकेट्स आनी चाहिए, इन दोनों से विकेट्स आनी चाहिए, दोनों मिलकर 3 विकेट निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैं इन दोनों को ही है वो लेके जाऊंगा। बाकी आपको पता है परम सिमरन सिंह है वो इंपैक्ट के तौर पे आते हैं, लास्ट मैच भी काफी शानदार आता, लेकिन ध्यान में ये रखना है आपको रबाडा, हर्षदीप सिंह, नाथन एलिस उतना इजी होगा नहीं जहां पे पेसर्स को मदद है। भानुका राजपक्षा आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, ये ध्यान में रखना आप लोग, शॉर्ट बाउंड्रीज है, भानुका राजपक्षा ऐसी विकेट पे बढ़िया कर सकते हैं अगर खेले, ध्यान में रखना यह चीज, मैंने आपको लास्ट टाइम पृथ्वी शो के लिए भी बोली थी, पृथ्वी शो आ सकते हैं ऐसी विकेट पे। उसके अलावा राजस्थान के प्लेइंग 11 जोस बटलर, यहां पे आप देखोगे डबल डक आपको दिख
देखेंगे 95 है ये सीजन, बाकी उतना बढ़िया नहीं गया। यशस्वी जायसवाल ने लगातार अच्छा किया, संजू सैमसन ने ठीक ठाक किया है, जोई रूट उतने इंपैक्टफुल दिखे नहीं है, सिमरोन हेटमायर देखिए यहां तक ठीक थे, बीच में 4-5 इनिंग्स बैटर नहीं थे, लास्ट मैच में 35 किए, ध्रुव ज्वेल थोड़ा नीचे आते हैं, रविचंद्रन अश्विन ऐसे विकेट पे उतना बढ़िया नहीं करेंगे, बट अच्छा किया है इन्होंने, लास्ट के 2 मैच विकेटलेस है। एडम जंपा इनको मुझे लगता है कि पिच कैसा भी हो ये एक विकेट टेकर गेंदबाज है, ये आपको ध्यान में रखना है। केएम आशीष विकेट निकाल रहे हैं, डेथ में भी आ रहे हैं, संदीप शर्मा देखिए गेंदबाजी बढ़िया की है लेकिन विकेट्स के खाते इनके लिए विकेट्स थोड़े से इनके कम खाते में दिखे। यजुवेंद्र चहल यहां पे आपको बता दूं, एडम जंपा की जगह ट्रेंट बोल्ट आ सकते हैं 044। देखिए यजुवेंद्र चहल ने बढ़िया किया है लेकिन ऐसी विकेट पे उतनी मदद शायद इनको ना मिले। हाँ ऐसा है कि इनको अटैक करने जाए तो विकेट मिल जाए लेकिन उतनी मदद ना मिले। देखिए संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट डेथ में गेंदबाजी करते हैं, अगर ट्रेंट बोल्ट नहीं खेलते तो केएम आसिफ फिर है वो डेथ में गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट खेलने चाहिए। बाकी देखोगे जोश बटलर 12 मैच 36 का एवरेज है, वेन्यू पे खेले नहीं है, बेस्ट कैप्टन आपके लिए बन सकते हैं, बस दिक्कत है रबाड़ा आसदीप सिंह उतना इजी नहीं होगा, लेकिन हाँ बढ़िया प्लेयर है तो कहीं ना कहीं खेल सकते हैं, कैप्टन बना सकते हो। यशस्वी जायसवाल 3 मैच 42 का एवरेज, वेन्यू पे खेले नहीं है, देखिए दिक्कतें रहेंगी, ग्रैंड लीग में ड्रॉप भी करके जा सकते हो बिकॉज अर्शदीप सिंह हो गए, रबाड़ा हो गए तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। बाकी संजू सैमसन 20 मैच 35 का एवरेज, वेन्यू पे खेले नहीं है, संजू सैमसन विकेट कीपिंग करते हैं तो मैं लेके चलूंगा। जोई रूट हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे भी नहीं खेले, गेंदबाजी शायद उतनी ना करे तो मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ग्रैंड लीग में यशस्वी जायसवाल ड्रॉप करके रूट ले सकते हो। हेटमायर 5 मैच 20 का एवरेज है, वेन्यू पे खेले नहीं है, हेड टू हेड में एवरेज 20 का है, ऐसी विकेट पे सिमरोन हेटमायर अच्छा कर सकते हैं तो सिमरोन हेटमायर को मैं लूंगा। या फिर एक चीज कर सकते हो कि अगर चेजिंग करती है राजस्थान की टीम तो जोई रूट ले सकते हो, पहले बैटिंग करती है तो सिमिम ले सकते हो। ध्रुव ज्वेल 1 मैच 32 रन, वेन्यू पे नहीं है, नीचे आते हैं तो मेरे लिए स्मॉल लीग में सीधा सीधा रिस्की रहेंगे। बाकी यहां से देखोगे रविचंद्रन अश्विन 20 मैच 20 विकेट है, हेड टू हेड वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट है, ऐसी विकेट पे उतनी मदद शायद ना मिले तो मैं शायद रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप करके चलूं। एडम जंपा 2 मैच 3 विकेट, वेन्यू पे नहीं खेले, एडम जंपा ले सकते हो क्योंकि विकेट्स का ज्यादा फर्क इनको पड़ता नहीं है। केएम आशिफा 1 मैच 0 विकेट, वेन्यू पे नहीं खेले, अगर ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा दोनों आते हैं देन यू कैन ड्रॉप इट, अदरवाइज ले सकते हो। संदीप शर्मा 6 मैच 9 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 5 विकेट, तो वेन्यू पे संदीप शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की है, ध्यान में रखना वेन्यू पे संदीप शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की है। बाकी यजुवेंद्र चहल 18 मैच 29 विकेट है, वेन्यू पे देखोगे तो वेन्यू पे खेले नहीं है। देखिए सिलेक्शन इनका होगा लेकिन देखना कि वेन्यू कैसा है, जो कि मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। एडम जंपा को मैंने जरूर बोला है कि आप ले सकते हो। बाकी यहां पे देवदत्त पेडिकल आपको इंपैक्ट में दिखेंगे, मुर्गन अश्विन दिख सकते हैं, कुलदीप सैन ट्रेंट बोल्ट प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। बाकी प्लेयर्स बैटल देखना, शिखर धवन ट्रेंट बोल्ट के सामने 2 बार आउट हुए हैं, बढ़िया खेले हैं, रविचंद्रन अश्विन के सामने स्ट्रगल किया है शिखर धवन ने, युजवेंद्र चहल को अच्छा खेले हैं 3 बार विकेट दिए, संदीप शर्मा के सामने अच्छा खेले हैं 2 बार विकेट, एडम जंपा के सामने 1 बार, अथर्व ताइडे नवदीप ने 1 बार, लियाम लिंगस्टोन को चहल ने 1 बार, जितेश शर्मा को यूजी ने 1 बार, सैम करन को जंपा ने 1 बार, और रॉबर्ट मकोई ने 1 बार, शाहरुख खान को युजवेंद्र चहल ने 1 बार, और ऑल्डर ने 1 बार। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। बाकी आप देखोगे यहां पे राजस्थान के प्लेयर्स तो अर्शदीप के सामने 1 बार, राहुल चहर के सामने 2 बार आउट हुए, बढ़िया खेले, रबाड़ा के सामने 1 बार, रबाड़ा को भी अच्छा खेले, अर्शदीप को खेले अच्छा लेकिन 1 बार विकेट है, नाथन एलिस के सामने स्ट्रगल किया है 2 बार आउट, यशस्वी जायसवाल अर्शदीप के सामने स्ट्रगल है, ध्यान में रखना अर्शदीप सिंह ने 2 बार यशस्वी जायसवाल को आउट किया है, 8 बॉल में केवल 6 रन है जो कि एक्सपेंस किया और 2 विकेट निकाले, राहुल चहर के सामने 1 बार, हरप्रीत 1 बार सॉरी अबरार के सामने 1 बार, संजू सैमसन अर्शदीप को बढ़िया खेले, सैम करन के सामने 2 बार विकेट है स्ट्रगल किया, रबाड़ा के सामने 1 बार है, नाथन के सामने 1 बार है, चहर के सामने 1 बार है, ऋषि के सामने 1 बार, थोड़ा सा स्ट्रगल किया है सैम के सामने, जोई रूट यहां पे देखोगे रबाड़ा के सामने 1 बार, ध्रुव ज्वेल 9 मैचअप्स, और यहां पे सिमिम का भी कोई मैचअप्स नहीं दिखेगा। बाकी मैंने टीम कैसी बनाई देखिए, मैंने जोश बटलर रखा, मैंने संजू सैमसन रखा, कैप्टनसी दे दी, शिखर धवन एज वाइस कैप्टन, जायसवाल, सिमरोन हेटमायर, सैम करन, लिविंगस्टोन, अर्शदीप सिंह है, ट्रेंट बोल्ट है, रबाड़ा है, उसके अलावा नाथन एलिस है। देखिए ट्रेंट बोल्ट अगर नहीं खेलते हैं
तो आप संदीप शर्मा ले सकते हो, अगर ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा दोनों खेलते हैं तो, अगर आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलते हो जहां पे आप केवल दो बैट्समैन के साथ जा सकते हो, तो या तो सिम को या फिर जायसवाल को ड्रॉप करके आप यहां पे ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा दोनों के साथ जा सकते हो, ये चेंजेस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।